ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुप्ता। कोरोना काल में खाली हुए खजाने को भरने के लिए नए नए रास्ते तलाश रही दिल्ली सरकार को रीएलोकेट इंडस्ट्री एरिया के कारोबारियों ने सलाह दी है कि सरकार 25,000 फैक्ट्रियों को फ्री होल्ड कर हजारों करोड़ रुपए कन्वर्जन चार्ज के रूप में कमा सकती है। ऐसा करने से न केवल दिल्ली सरकार का चुनावी वादा पूरा होगा, बल्कि सरकार कारोबार जगत दोनों को आर्थिक संकट कम हो सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने दिल्ली के उद्योग जगत की कमर तोड़ कर रख दी है, तो वहीं दिल्ली सरकार को भी मजबूर कर दिया है कि वो शराब और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे कमाई के नए नए रास्ते तलाश करें। सरकार की आय का एक प्रमुख स्रोत इंडस्ट्री सेक्टर भी है। लॉकडाउन 3.0 में छूट के बावजूद भी कुछ ही फैक्ट्रियां शुरू हुई हैं। ऐसे में दिल्ली के रिलोकेट उद्योग ने सरकार को सलाह दी है कि यदि वो नरेला, बवाना, भोरगढ़ जैसे यहाँ की 25,000 फैक्ट्रियों को फ्री करने की प्रक्रिया शुरू करती है, तो दिल्ली सरकार के खजाने में हजारों करोड़ रुपया राजस्व के रूप में मिल जाएगा। इस बाबत बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा है कि इन फैक्ट्रियों को फ्री होल्ड करना दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का चुनावी वादा भी रहा है। दिल्ली सरकार अपना ये वादा पूरा कर एक तीर से दो शिकार कर सकती है। रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत तकरीबन 27,000 प्लॉट अलॉट किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, बादली इंडस्ट्रियल एरिया और पड़पड़गंज है। अगर हम इसको फ्री होल्ड करते हैं तो कन्वर्जन चार्ज के रूप में कई हज़ार करोड़ रुपये दिल्ली सरकार के खजाने में आ सकते हैं, जो कि दिल्ली सरकार आप पार्टी पिछले दोनों बार के मैनिफेस्टो में उनके ये तय किया गया था कि हम इसको फ्री होल्ड करेंगे। इस तरीके से केजरीवाल जी दिल्ली के व्यापारियों से किया हुआ अपना वादा भी पूरा करते हैं और व्यापारियों को भी इस लायक बनाते हैं कि कोरोना नाम की महामारी से जो हम जूझ रहे हैं, हम बोझिल हो चुके हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड होने के बाद लोन ले सकें, लिमिट बनवा सकें और अपने व्यापार को सपोर्ट कर सकें। बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज ने कहा कि फ्री होल्ड होने से दिल्ली सरकार का खजाना भी भरेगा और फैक्ट्री मालिकों की भी माली हालत सुधर जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले से ही आर्थिक संकट झेल रहा कारोबारी फ्री होल्ड करवाने के लिए पैसा कहां से लाएगा। कारोबारियों के पास इसका भी जवाब है। फैक्ट्री के फ्री होल्ड होने से बैंक लोन के अलावा बैंक लिमिट बनवाने के लिए CDB, MSME जैसे क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। कारोबारी इसे प्राथमिकता के आधार पर करेगा। अगर फ्री होल्ड करने की स्थिति में जो भी खर्चा लिया जाएगा कन्वर्जन चार्ज के रूप में, जो कि मैं मानता हूँ मैक्सिमम आपने जिस रेट में अलॉटमेंट करी है उतना ही पैसा भी अगर आप लेते हो तो हर व्यापारी आगे बढ़ के, क्योंकि MSME SIDBI जो आपको ये लोन की ऑफर्स दे रही हैं उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी का फ्री होल्ड होना बहुत जरूरी है अगर आपने खरीदी हुई है तो। इन लघु कारोबारियों का कहना है कि सरकार का ये कदम कमर टूट चुके लघु उद्योग की उन्नति में सहायक होगा। दिल्ली कोरोना के साथ साथ आर्थिक संकट पर भी विजय हासिल कर सकेगी। सलाह बेहतरीन है, लेकिन दिल्ली सरकार को ये कितनी समझ आती है ये देखना अभी बाकी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।